डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं सर्वेइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं और सर्वेइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैंने 10 क्वेश्चंस प्रीवियस मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करके बताया और आगे के भी 10 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा 11 से 20 क्वेश्चंस जो ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया कि पहले सब्जेक्टिव मैं क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं कराता हूँ कि आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन देख के आप आसानी से समझ सकें, इसीलिए सबसे पहले थियरी पार्ट मैं कंप्लीट करा देता हूँ, उसके बाद से ये ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूँगा और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि ताकि आपके जो इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 11th नंबर का क्वेश्चन वन बाई वन मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है कि नॉर्मल टेंशन इज डैट पुल विच, मतलब नॉर्मल टेंशन इज डैट पुल विच, मतलब नॉर्मल टेंशन खींचने पे जो होता है तो किस कंडीशंस पे क्यों मतलब किया जाता है, तो वो कंडीशंस बता देता हूँ मैं कि देखो, तो पहला इसमें क्या बोला है, ऑप्शन इज यूज एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द टेप, टेप को स्टैंडर्डाइजिंग करने के टाइम पे मतलब जब यूज करते हैं तब ये नॉर्मल टेंशन आता है, या दूसरा न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ड्यू टू पुल एंड सैग, मतलब ये इसके लिए किया जाता है, ये वाला पॉइंट आपका राइट भी है, आगे भी देख लेते हैं और भी कोई राइट है, तो सी ऑप्शन देख सकते हैं। सी क्या बोला, मेक द करेक्शन ड्यू टू सैग इक्वल टू जीरो, नहीं ये वाला करेक्ट नहीं है, मेक द करेक्शन ड्यू टू पुल इक्वल टू जीरो, मेक द करेक्शन ड्यू टू पुल इक्वल टू जीरो, नहीं ये भी कंडीशंस रॉन्ग हैं, मतलब नॉर्मल टेंशन इज डैट पुल विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ड्यू टू पुल एंड सैग के लिए, मतलब पुल और सैग के कारण जो न्यूट्रलाइज इफेक्ट होता है उसके लिए ये नॉर्मल टेंशन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। हालांकि मैं ऑलरेडी पहले आप लोग को एक बात बता देता हूं कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे सर्वेइंग से रिलेटेड काफ़ी बेहतरीन वीडियोस हैं, उसको आप एक बार देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको जो सबसे ज़्यादा वीडियोज वाला प्लेलिस्ट है उसको आप देखिए, वो एक सीरीज में मैंने उसको करके प्लेलिस्ट बनाए हैं, बाकी सर्वेइंग के तो और भी प्लेलिस्ट हैं, लेकिन उसमें क्या है कि कोई भी कभी भी वीडियोस को सिलेक्ट कर लिया, जैसे जैसे बनता गया तैसे जैसे मतलब उसको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उसको सीरीज़ में करके रखा है, तो वो मैक्सिमम वीडियोज वाला प्लेलिस्ट यूज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आपको आइडिया मिल सके। फिर ये क्वेश्चंस देखोगे ना तो काफ़ी वो हेल्पफुल रहेगा, आसानी से आप सभी क्वेश्चंस के जवाब दे दोगे, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, कुछ जान नहीं है, आप जब वो पढ़ के इसको करोगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट, मतलब परपेंडिकुलर ऑफसेट में कौन सा जो है जिसका परपेंडिकुलर ऑफसेट में यूज नहीं किया जाता है, तो मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पर ऑप्शन में दिए हैं लाइन रेंजर है, स्टील टेप है, ऑप्टिकल स्क्वायर है, क्रॉस स्टाफ है, तो किसका परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए नहीं किया जाता, मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बताएगा, तो यहाँ पर अगर मैं बता दूँ तो वो है लाइन रेंजर, लाइन रेंजर आपका परपेंडिकुलर नहीं बताता, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखेंगे, बाकी सब स्टील टेप से भी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है सर्वे लाइन से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर भी परपेंडिकुलर, क्रॉस स्टाफ भी सब परपेंडिकुलर ही और डिस्टेंस को बताते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं ना, एक चीज़ ये भी याद रखना, जितने भी इक्विपमेंट यूज करते हैं मैक्सिमम इक्विपमेंट वो सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हुआ जाता है, लाइन रेंजर को छोड़ के। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख लेंगे, इफ द लेंथ ऑफ ए चेन इज फाउंड टू बी शॉर्ट ऑन टेस्टिंग, जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो पाया गया कि जो 20 मीटर का है वो कुछ कुछ mm या कुछ सेंटीमीटर छोटा है। ठीक है, इट कैन बी एडजस्टेड बाय, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, वो चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एडजस्ट कर सकती हैं। ठीक है,
तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या बोला, स्ट्रेटनिंग द लिंक, ये ऑप्शन है ठीक है। रिमूविंग वन और मोर स्मॉल सर्कुलर रिंग, उसमें का जो सर्कुलर रिंग है उसमें से एक या दो स्मॉल सर्कुलर रिंग को निकाल सकते हैं, ये ऑप्शन हो सकता है। या तो क्लोजिंग द ज्वाइंट ऑफ द रिंग इफ ओपन आउट, क्लोजिंग द ज्वाइंट ऑफ रिंग इफ ओपन आउट, ये भी ऑप्शन है। ऑल ऑफ द एबो है, मतलब इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो, पहला जो बोला है स्ट्रेटनिंग द लिंक, मतलब लिंक को स्ट्रेटनिंग करने के लिए ठीक है, स्ट्रेटनिंग करके भी एडजस्ट किया जा सकता है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, रिमूविंग वन और मोर स्मॉल सर्कुलर रिंग। अब एक या उससे अधिक स्मॉल सर्कुलर रिंग को अगर आप निकालोगे ठीक है, क्या कर रहा है, रिमूव करने के लिए बोल रहा है। अगर रिमूव करते हैं तो ये रिमूव तो कर नहीं सकते ठीक है। एक तो वैसे ही वो छोटा है, फिर बाद में एडजस्ट करने के लिए आपको रिंग निकालने पड़ेंगे, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग है। जब ये रॉन्ग है तो डी वाला ऑप्शन रॉन्ग ही हो जाता है ठीक है, डी वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। और जब डी वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है तो ध्यान से आप देख सकते हैं कि बाकी कोई ऑप्शन ए के अलावा और कोई चांस बचता नहीं है, तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। तो ये 30 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द मैक्सिमम टॉलरेंस इन अ 20 मीटर चेन इज, मतलब इसकी मैक्सिमम टॉलरेंस कितनी होगी। तो ये क्वेश्चंस का भी जवाब मैं आपको बता देता हूँ, प्लस माइनस 5 mm होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप, जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो उस बीच में आप लोगों ने ये सब चीज़ें, जब नोट्स भी मैं बताते रहता हूँ तो वहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो, वहाँ पर लिख के रखें। ये सब क्वेश्चन वहीं से उठ के आते हैं, आपके बुक से बाहर क्वेश्चंस आता ही नहीं है, सब आपके बुक्स में दिया हुआ है। बट आप बुक्स को प्रीफर करके लाइन बाय लाइन जो चीज़ें हमें, देखो बुक्स में हमको पढ़ने का मन नहीं करता ना, वैसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, फिर बाद में हम कर नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखें, एक एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहिए, सारे पॉइंट को कवर करके लेके अगर पढ़ें तो सारा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, फॉर एक्यूरेट वर्क, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्यूरेट वर्क द स्टील बैंड शुड ऑलवेज बी यूज इन प्रेफरेंस टू चेन बिकॉज द स्टील बैंड यूज किया जाता है किसके लिए, ऑलवेज बी यूज टू प्रेफरेंस टू चेन, चेन्स के प्रेफरेंस के लिए, एक्यूरेट वर्क के लिए, बिकॉज द स्टील बैंड क्या होता है, किस लिए, किस पर्पज के लिए, मतलब ऑलवेज प्रेफरेंस करते हैं स्टील बैंड को, तो वो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं ठीक है। अब इस ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है तो वो मैं वन बाय वन आपको बता देता हूँ। जैसे पहला बोला इज लाइटर देन चेन, चेन से लाइटर है इसलिए यूज करते हैं, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा इज ईजियर टू हैंडल, भाई ये भी हैंडल ईजियर तो उसको भी कर सकते हैं। इज प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसिबल एंड इज नॉट लिएबल टू लिंक व्हेन इन यूज, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है। कैन बी इजिली रिपेयर इन द फील्ड, नहीं ये भी नहीं, ये सब तो छोटे मोटे वर्क है, वो तो दोनों में वर्क ठीक है, तो ये वाला सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है वो चीज़ें थोड़ा देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ए चेन इज मेजर फ्रॉम, जो चेन का लेंथ है वो मेजर कहाँ से किया जाता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ से मेजर किया जाता है। तो पहला बोला है सेंटर वन हैंडल टू सेंटर ऑफ अदर हैंडल, जो आपका हैंडल है उसके सेंटर, एक सेंटर से दूसरे हैंडल के सेंटर तक। पी में क्या बोला है, आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड टू द अदर हैंडल, यस मतलब आपका जो हैंडल बना रहता है ना, आपको मैं थोड़ा हैंडल दिखा देता हूँ, इस प्रकार से रहता है जो हैंडल आपका रहता है वो इस प्रकार से बना रहता है, इस प्रकार से बना रहता है ठीक है। तो इसके यहाँ से सेंटर से और दूसरे साइड जो हैंडल बना रहता है इस तरह से बना रहता है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से लिंक बना रहता है दोनों तरफ हैंडल पकड़ने के लिए। तो ये सेंटर और ये सेंटर से बीच का डिस्टेंस नहीं, बाकी इसके बीच में लिंक रहती है ठीक है, ये दोनों एंड का हैंडल रहती है, ये सेंटर से सेंटर नहीं होता है, इसके एंड, ये जो आउटर है ना और इसका आउटर है
ये जो इसका आउटर है ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, ये बीच का डिस्टेंस होता है ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है। तो ये बी वाला करेक्ट की तरफ है, आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू इनसाइड ऑफ अदर हैंडल, ये भी रॉन्ग है और इनसाइड भी रॉन्ग ही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ये चीज़ें हमें जब हम प्रैक्टिकली इसको यूज करते हैं ना तब आइडिया मिलता है कि कहाँ से कौन सा मेजरमेंट किया जाता है ठीक है, तो ये चीज़ें तभी हमें पता चलती है जब हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, और जो हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म कराता है वो हमें प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके बताते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अभी जितने क्वेश्चंस बता रहा हूँ सब के सब, अभी जितने क्वेश्चंस बताया सब के सब आपका चेन एंड टेप सर्विस से ही है। तो आगे देख लेते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो इसमें से इनकरेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है ठीक है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट, तो इसमें से इनकरेक्ट, इनकरेक्ट की बोला, करेक्ट की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। पहला बोला द ट्रू मेरिडियन एट ए डिफरेंट प्लेस आर पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ पे जो बोला है कि ट्रू मेरिडियन एट ए डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट प्लेस पे आर पैरेलल टू ईच अदर, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो ट्रू मेरिडियन होता है वो पैरेलल टू ईच अदर होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये अभी जो क्वेश्चन अभी शुरू हो रहा है ना, ये कंपास सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन चालू हो रहा है ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस की बात कर रहा है ये आपका रॉन्ग होता है, क्योंकि ट्रू जो मेरिडियन की बात कर रहा है ना, ट्रू मेरिडियन की ये बोला है कि एट ए डिफरेंट प्लेस आर पैरेलल टू ईच अदर की बात किया है, तो ये ऑप्शन इसलिए सही हो रहा है क्योंकि ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट मतलब हर प्लेस पे, कई जगह पे क्या हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके जो मेरिडियन होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वो जो अपनी जगह पे होना चाहिए वहाँ नहीं होते हैं, तो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग उसकी मेरिडियन आती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो पाते हैं, वो पैरेलल लाइन नहीं हो पाते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है पैरेलल हो जाते हैं ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग है। दूसरा भी देख सकते हैं, ट्रू मेरिडियन एट एनी प्लेस इज़ नॉट ए वेरिएबल, क्या बोला है, द ट्रू मेरिडियन एट एनी प्लेस मतलब किसी एक प्लेस पे ट्रू मेरिडियन इज़ नॉट वेरिएबल, ऑब्वियसली एक ही प्लेस पे वेरिएबल नहीं हो सकता है, जो होगा वही होगा ठीक है, तो ये वाला तो करेक्ट है, तो यहाँ तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो ये भी नहीं होगा। द ट्रू मेरिडियन कन्वर्ज टू अ पॉइंट इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, सही बात है ये भी। द मैप प्रिपेयर बाय नेशनल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ एनी कंट्री आर बेस्ड ऑन द ट्रू मेरिडियन, हाँ ट्रू मेरिडियन के बेस पे होता है, हम मैग्नेटिक मेरिडियन के बेस पे नहीं लेते हैं, ट्रू मेरिडियन के बेस पे लेते हैं। हम जब कैलकुलेट भी करते हैं ना तो उससे हमें पता चलता है कि कितना डेक्लिनेशन हुआ है ठीक है, तो जब कैलकुलेशन करते हैं कितना डेक्लिनेशंस हुआ है ये सब जब के साथ मैच करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कितना डेक्लिनेशन हुआ है, उसके बेस पे हम ट्रू मेरिडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे जब पूरे चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या बोला है, इफ़ द ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी, मतलब क्या बोला है कि एक लाइन ए बी है जिसका ट्रू बियरिंग ये दिया हुआ है, देन एजिमथ ऑफ द लाइन ए बी, अब एजिमथ क्या होता है वो चीज़ें यहाँ पर समझने वाली पॉइंट है कि एजिमथ ऑफ ए लाइन ए बी, अब इस ए बी लाइन का एजिमथ क्या होगा वो जानना इम्पोर्टेंट है ठीक है। तो एजिमथ की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको समझने के लिए मैं आपको पॉइंट किस तरीके से बताऊँ, एक मिनट, हाँ तो पहले तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि एजिमथ ऑफ ए लाइन ए बी क्या होता है ठीक है, कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। जैसे कोई ए बी लाइन दिया है ना, तो ए बी लाइन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए आपका देखिए ये डब्ल्यू सी बी में एंगल दिया हुआ है, ये इस प्रकार का आपका नॉर्थ होता है यहाँ पे, यहाँ साउथ होता है, यहाँ पर आपका ईस्ट होता है, यहाँ पर आपका वेस्ट होता है। तो अगर ए बी लाइन की बात करें तो कहाँ पर आएगा,
यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आ रहा है एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर, मतलब 270 से कम है, ये आपकी लाइन आ रही है, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये कितना एंगल है, 269 डिग्री 30 मिनट। और ये जो एन है ना, ये जो नॉर्थ है, ठीक है, इसी को ट्रू मेरिडियन बोला जाता है। एग्जैक्ट जो नॉर्थ के डायरेक्शन में अगर है ना, तो ये इसको ट्रू मेरिडियन बोला जाता है, ट्रू मेरिडियन बोला जाता है। और इसके साथ जो एंगल होता है वो ट्रू बियरिंग होता है। तो देखिए, ये जो 269 डिग्री 30 मिनट दिया है वो ट्रू बियरिंग है, तो ये जो होता है ये ट्रू मेरिडियन होता है, ठीक है, इसको ट्रू मेरिडियन बोला जाता है। वन मिनट, ठीक है, ये ट्रू मेरिडियन बोला जाता है। अब ये ट्रू मेरिडियन बोला जाता है, तो अब एजीमथ क्या होता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये आ जाता है कि एजीमथ क्या होता है। तो एजीमथ वो होता है कि जो आपका ये ट्रू मेरिडियन है, ठीक है, और ये आपका ए बी जो लाइन है, इनके बीच का ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, ये जो एंगल, अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले, ये जो आपका एंगल है ना, ये एंगल, इस एंगल की मैं बात कर रहा था, ये जो आपका एंगल है, ये आपका जो एंगल है, इस एंगल को, मतलब उनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, नॉर्थ और ए बी जो लाइन है, ट्रू बियरिंग और ए बी जो लाइन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो एंगल होता है वो एजीमथ होता है, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू बियरिंग या ट्रू मेरिडियन एंड लाइन ए बी इज कॉल्ड एज एजीमथ, उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये एंगल कितना है, सॉरी डिस्टेंस बोल रहा था। तो आप अगर टोटल देखेंगे तो 360 है, 360 में से ये 269 डिग्री 30 मिनट माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको बता देता हूँ क्या है, तो वो आएगा आपका सी ऑप्शन, 90 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री 30 मिनट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का क्वेश्चन, इन द प्रिज्मेटिक कंपास। अब देखो, प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है उसमें जो एंगल जो बताता है वो WCB बताता है। वही अगर सर्वेयर कंपास यूज करते हैं तो उसमें डायरेक्शन के साथ एंगल देता है, या तो नॉर्थ के रेफरेंस से एंगल देगा या तो साउथ के रेफरेंस से एंगल देगा, और वो एंगल कितने के बीच में देगा, 0 से 90 के बीच में ही एंगल देगा सर्वेयर कंपास। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में बात कर रहा है, तो प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट यहाँ पे बोला है, और देख लेते हैं कौन सा आंसर राइट है इसमें से। द मैग्नेटिक नीडल मूव्स विद द बॉक्स, क्या बोला है, द मैग्नेटिक नीडल्स मूव विद द बॉक्स, मतलब बॉक्स के साथ मैग्नेटिक नीडल्स मूव करता है, मतलब इसका जो नीडल्स होता है वो बॉक्स के साथ ही मूव करता है, ये इसमें ऐसा बोल रहा है, ठीक है, ऐसा ये बोल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, उसका बॉक्स के साथ मूव नहीं करता है, ठीक है, जहाँ जहाँ उसका नॉर्थ का डायरेक्शन होता है उस तरफ वो नॉर्थ की तरफ नीडल चला जाता है, ठीक है। बॉक्स तो आप किधर भी हो आओगे, लेकिन जो नीडल होता है नॉर्थ के डायरेक्शन में ही वो चला जाता है, तो ये होता, तो ये वाला तो इसी रॉन्ग है, ठीक है, ये वाला तो आप यहाँ से रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा बी देखेंगे, अगर बी की तरफ हम जाते हैं, द लाइन ऑफ साइट डज नॉट मूव विद द बॉक्स, मतलब क्या बोला है, जो लाइन ऑफ साइट है डज नॉट मूव विद द बॉक्स, बॉक्स के साथ वो मूव नहीं होता है, यहाँ पे बोल रहा है। तो ये ऊपर वाले और नीचे वाले को देखेंगे तो एक ही बात कह रहा है, वो रिपीट कर रहा है, हालांकि घुमा के बोल रहा है, बाकी वो पहला और दूसरा दोनों एक ही पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, सी ऑप्शन देख सकते हैं, द मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएटेड सर्कल डू नॉट मूव विद द बॉक्स। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बोला है ये ध्यान से समझिए, जो मैग्नेटिक नीडल है और जो एंड ग्रेजुएटेड सर्कल, जो ग्रेजुएटेड सर्कल है, ठीक है, वो सर्कल है, मैग्नेटिक नीडल और ग्रेजुएटेड सर्कल डू नॉट मूव विद द बॉक्स, वो बॉक्स के साथ मूव नहीं होते हैं। ये पॉइंट एग्जैक्ट राइट है कि जो उसके जो बॉक्स है उसके अंदर ग्रेजुएटेड बॉक्स किए गए हैं, जो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बना के बता देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ये इस प्रकार का प्रिज्मेटिक कंपास होता है, यहाँ पर एक तरफ यहाँ पे प्रिज्म लगा रहता है, ठीक है, आपका यहाँ पे प्रिज्म लगा रहता है, एक तरफ यहाँ पर इस प्रकार का रहता है, इस प्रकार का सेट रहता है जिसमें हेयर रहता है, ये दो पॉइंट हो जाते हैं और एक आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है तीसरा।
तीन को एक लाइन में करते हैं, जब तीनों को एक लाइन में करते हैं तो जो एंगल बताता है यहाँ पर वो एंगल हम नोट डाउन करते हैं। लेकिन इसके ऊपर ये मार्किंग की गई रहती है, यहाँ पर ऐसे ऐसे सभी राउंड में मार्किंग की गई रहती है। वो बॉक्स के जो बोला ना ग्रेजुएटेड सर्कल डू नॉट मूव विद द बॉक्स, वो बॉक्स के साथ मूव नहीं होता है, ये पॉइंट बोला है। तो ऑब्वियसली ये मूव नहीं होता है, वो बॉक्स के साथ मतलब मूव नहीं होता है, जैसे बॉक्स मूव होता है वैसे वो मूव नहीं होता है, ठीक है, उसके साथ वो सेट रहता है, ये चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आई थिंक सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है, सी जो ऑप्शन है आपका राइट है। डी भी देख सकते हैं, द ग्रेजुएटेड सर्कल इज फिक्स टू द बॉक्स एंड मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज रिमेन इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। क्या बोला है, मैग्नेटिक जो नीडल है ऑलवेज रिमेन इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। तो यहाँ पर पॉइंट देखें, द ग्रेजुएटेड सर्कल इज फिक्स टू द बॉक्स एंड द मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज रिमेन्स इन द एन और एच डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक नीडल रिमेन एन और एच डायरेक्शन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि एन और एच डायरेक्शन में ही रहें, कई बार मैग्नेटिक मतलब फील्ड के कारण कोई अट्रैक्शन के कारण वो चेंज भी हो जाते हैं, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होते, कुछ मतलब डिक्लिनेशंस आ जाते हैं। तो ये पॉइंट भी मेरे ख्याल से रॉन्ग हो जाता है, तो सी वाला ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो रहा है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो फॉर ए लाइन ए बी, कोई एक लाइन ए बी की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या बोला है, द फोर बियरिंग ऑफ ए बी एंड बैक बियरिंग ऑफ ए बी डिफरेंस बाई 180 डिग्री। यहाँ पर बोला है कि जो उसका फोर बियरिंग होगा उसका बैक बियरिंग होगा उनके बीच का डिफरेंस 180 डिग्री होगा। तो ये बात 100% करेक्ट है, क्योंकि इसके फॉर्मूले भी होते हैं कि जब भी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस निकालोगे हमेशा 180 एक लाइन का अगर, हाँ ठीक है, एक लाइन का कहने का मतलब है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको ना समझा दूँ तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ये लाइन है, ये लाइन की बात करें तो मान लो ये यहाँ पर आपका ए है और यहाँ पर आपका बी है, तो ए बी का फोर बियरिंग ये होगा, ये एंगल होगा, ठीक है, और बैक बियरिंग की बात करेंगे तो बी से ए तक का, बी से ए मतलब ये एंगल बताएगा, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जब भी देखेंगे ना, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, जो एंगल मैं बता रहा था जैसे ये वाला थीटा 1 है और इसका थीटा 2 है, तो थीटा 2 बड़ा है, तो डिफरेंस की बात करें मतलब बड़े के में से छोटे को माइनस करना, मतलब थीटा 2 माइनस थीटा 1 करोगे तो ऑलवेज 180 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ पर थीटा 2 पहले लिया है, कई बार थीटा 1 पहले आ जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका एंगल थीटा 1 ज़्यादा बड़ा है थीटा 2 से, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखेंगे, मतलब डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस अगर उनके 180 आ रहे हैं तो मतलब वो एक लाइन के फोर बियरिंग और बैक बियरिंग हैं, ये भी एक कंडीशन है। तो यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाता है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, द फोर बियरिंग ऑफ ए बी एंड बैक बियरिंग ऑफ बी ए डिफरेंस बाई 180 डिग्री। यहाँ पर ध्यान से समझने वाले पॉइंट है, द फोर बियरिंग ऑफ ए बी बोला है एंड बैक बियरिंग ऑफ बी ए बोला है, बी ए बैक बियरिंग ऑफ बी ए की बात किया है, डिफर बाय 180 डिग्री। बी ए मतलब, अभी यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको समझा देता हूँ कि ताकि आपके कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है, जैसे ये पॉइंट बोल रहा है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लेकर बता देता हूँ आपको। कहने का मतलब है कि अगर मैं ये पॉइंट बोलूँ, ये ए बी था, ठीक है, और यहाँ पर बी पॉइंट था, तो फोर बियरिंग ये होगा, थीटा की बात किया, और बी ए का बैक बियरिंग, ठीक है, बी ए मतलब ये बी ए जो जा रहा था अब उसकी बैक बियरिंग की बात कर रहा है, तो बैक बियरिंग उसकी बैक बियरिंग भी क्या होगी, यही एंगल होगी, ठीक है, बैक बियरिंग की बात कर रहा है तो यही एंगल होगा, यही एंगल होगा, बैक बियरिंग भी थीटा टू ही, ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल का डिफरेंस बोलेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है, जीरो आएगा, तो जीरो आ जाएगा, तो फिर बाद में 180 नहीं है, तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए। तो ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे बताया है दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये वाला गलत है। सी ऑप्शन देख लीजिए, बोथ ए एंड बी करेक्ट, तो ये भी रॉन्ग है, और नन इज करेक्ट, ये भी रॉन्ग है,
तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यहाँ पर ए ऑप्शन दिया भी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस अगर दूसरे सब्जेक्ट के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपके कोई अगर डाउट होते हैं, कोई पॉइंट नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट करें ज़रूर। मैं कमेंट सबके रीड करता हूं, अगर आपको आपकी जो भी डाउट होते हैं वो डाउट को ज़रूर शेयर करें कि ताकि मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ, और आपके लिए आपकी जो कन्फ्यूजन है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।